प्री डायलिसिस केयर क्या क्या होती है, तो सबसे पहले एक्सप्लेन टू द प्रोसीजर द पेशेंट, हम सबसे पहले प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को कि हम उसके साथ क्या क्या करने वाले हैं, देन चेक द वाइटल साइंस इंक्लूडिंग टेम्परेचर, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, हम पेशेंट का वाइटल साइन चेक करेंगे क्योंकि कोई भी प्रोसीजर करने से पहले वाइटल साइन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, देन डॉक्यूमेंटेशन द वेट ऑफ पेशेंट, पेशेंट का वेट डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि उसकी बॉडी में फ्लूड मेंटेन है कि नहीं, देन चेक द मेडिसिन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट बिफोर प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हम पेशेंट की मेडिसिन हिस्ट्री मतलब उसकी प्रीवियस में कोई मेडिसिन तो नहीं चलती है उसके बारे में भी पूरा एकदम चेक करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया प्री डायलिसिस केयर, मतलब जो प्रोसीजर करने के पहले, बिफोर प्रोसीजर करने के पहले ये केयर हम देंगे, देन अब मैं आपको बताऊंगी आफ्टर प्रोसीजर केयर हम क्या क्या कर सकते हैं। आफ्टर प्रोसीजर केयर असिस्ट द वाइटल साइन, मतलब पहले हम जैसे प्रोसीजर हमने कर दिया उसके बाद भी हम पहले चेक करेंगे कि उसका वाइटल साइन मेंटेन है कि नहीं, देन उसके बाद हम वेट देखेंगे पेशेंट का, चेक द वेट, पेशेंट का वेट देखेंगे कि बिफोर प्रोसीजर पेशेंट का वेट कितना था और आफ्टर प्रोसीजर पेशेंट का वेट कितना था, फिर मॉनिटर द विम्स सीरम इलेक्ट्रोड लेवल्स बिटवीन बिटवीन डायलिसिस ट्रीटमेंट, मतलब डायग्नोसिस ट्रीटमेंट करने के बीच में हम मॉनिटर करेंगे सीरम और इलेक्ट्रोलाइट्स, देन उसके बाद असिस्ट द नोजिया वोमिटिंग मसल्स कैम एंड सीवियर सीवियर एक्टिविटीज, मतलब हम पेशेंट को नोटिस करेंगे देखेंगे कि उसमें कोई एलर्जी रिएक्शन तो नहीं हो रहा है या फिर कोई वोमिटिंग उसके मसल्स कैम नहीं हो रहे, क्योंकि हम आर्टिफिशियल ब्लड बॉडी में पहुंचा रहे हैं तो वो चेक करना जरूरी है कि उसको कोई इन्फेक्शन या फिर कुछ टाइप्स की कुछ एलर्जी तो नहीं हो रही है। सो थैंक यू सो मच।